You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Good morning guys, कैसे हो आप सब? मैं 8 दिसंबर वेडनेसडे को जमशेदपुर आ गया था, बट कुछ रीज़न थे जिस वजह से मैं डेली ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था। यहाँ एक फैंसी हो गया था जिसकी वजह से मेरा फेस पूरा फूल गया था और मैं कहीं जाने आ नहीं पा रहा था। तो आज मंडे है और आज से मैं डेली ब्लॉग शूट करूँगा और आज से मैं जिम वर्कआउट शेयर करूँगा आपको, और जो भी डेली टिप्स होगा, बेसिक टिप्स होगा बिगनर्स के लिए, मैं आज से उसका भी शॉर्ट्स बना के डालना शुरू करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल सुबह हो गया है तो मैं फ्रेश होके जा रहा हूँ कार्डियो करने। मिलते हैं हम लोग कार्डियो सेशन में। सो एब्स सेशन डन हो गया, अब मैं साइकिलिंग करूँगा 15 से 20 मिनट के आसपास। वर्कआउट के बाद ये सीढ़ी उतरना ही बहुत टफ हो जाता है। सो फाइनली गाइस हम जिम पहुँच गए और 15 दिन बाद आज वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। एक्चुअली मैं जब GSR आया तो अमजद भैया मुझे कॉल किए, बोले कि अजीत मेरे जिम आ जाओ, वर्कआउट थोड़ा करो क्योंकि यहाँ के यूथ को थोड़ा इंकरेजमेंट चाहिए। तो मैं आज आ गया मंडे को चेस्ट पाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा वेट थोड़ा हिलाया जाए यहाँ पे। बॉडी लाइन फिटनेस में आपका स्वागत है। यहाँ आकर ट्रेनिंग करने के लिए और यहाँ के यूथ को इनकरेज करने के लिए आपका स्वागत है।
सो फाइनली मैंने 40 केजी का 9 रेप्स फिक्स कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम 40 केजी का 15 रेप्स मैक्स मैक्स जाएगा, उसके बाद वेट बढ़ाऊंगा अपना। सो आज का सेशन डन हो गया, चेस्ट और बाइसेप। आज फर्स्ट दिन आते साथ मैंने 40 केजी टच किया और 40 केजी का नैरेस मैंने लगाया है। मेरा ये मानना है कि डेली आपको अपने वेट को इंक्रीज करते रहना है। अगर वेट आपके जिम में ज़्यादा नहीं है तो उसको उसका रेप्स आप इंक्रीज करते रहिए, ताकि आपका स्ट्रेंथ और बिल्ड होते रहेगा। फिर जब आपको वेट मिलेगा तो फिर आप उसे समझ नहीं पाएंगे कि ये कितना वेट है, आप उसको ईजिली बिल्ड दोगे। तो लगे रहिए और वेट को अपना स्ट्रेंथ को डेली बाय डेली इंक्रीज करते रहिए।